अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने वो जो लगाए हुए थे ना ड्रम इनके खाने के, वो एक तो गिर चुका है, अभी बाकी बचे हैं। वो एक ही गिरा है, वो ये पड़ा हुआ, उसके चक्कर में मैं इसको दे रहा हूँ बाल्टी के अंदर, ठीक है। और बाकी आपको आवाज़ आ ही रही होगी, ये कलर की बाल्टी लेकर आ गया हूँ। और प्लाट आप देख रहे हो कितना साफ सुथरा कर दिया है मैंने, सारा एक जगह जमा कर दिया है। वो भी जब इसके अंदर लगेगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर मैंने पत्थर वत्थर कूट दिए ताकि फर्श जो है ना वो बैठे ना। अभी भी हथौड़ा इधर ही पड़ा हुआ है। गर्मी तो ऐसी हो रही है ना, VIP गर्मी हो रही है। गर्मी में पसीना आ गया, पसीने आके ना मेरे हो गए दाने अब। और ये देखें भाई, हम लेकर आ गए तोते, बजरी से हैं। और इसके अंदर शायद एक दो और भी हैं, रेड आइज वगैरह भी हैं इसके अंदर। ये देखें, और हैं बहुत खूबसूरत, लेकिन एक दूसरे से ना लड़ाई कर रहे हैं बहुत। देखें कर रहे हैं लड़ाई भी, ये देखें हैं ना अच्छे। ये मतलब इन पे ना मिनी ज़ू में पूरे में शोर हो रहा है। और अब मज़ीद देखें मिनी ज़ू कितना बड़ा लग रहा होगा आपको। ये देखें, देख रहे हैं ये सारा बड़ा हो गया। इधर सारा साफ़ सुथरा करके हमने अब इन मटकियों को हम कलर लेकर आ गए हैं। वो एक कलर करते हैं और ग्रे कलर कर देते हैं, ग्रे में उसके बाद इसको लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सोफ़े पड़े हैं मैंने ना आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये सोफ़े तो मैं सोच रहा था पहले फेंक दूं मैं इनको, लेकिन अब ये काम में आ रहे हैं। इनके ऊपर रख के ना मैं जब घास वगैरह जो आ रहा है ना वो दाना वगैरह दे रहा हूँ इसमें तगारियों में करके ना, तो बासानी वो खा रहे हैं, इसको गिरा नहीं रहे। तो वो ये है कि इसको इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल हो जाएंगे हमारे ये इस तरीके से। दूसरा ये है कि अभी हम फाउंटेन को कलर करते हैं, सही है। कलर करते हुए मैं नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि मैं अकेला हूँ, इस वजह से कलर करते हुए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये अभी मटकियाँ कलर करते हैं, उसके बाद इसमें लगाते हैं। अभी रफ़ीक भाई को बुलाया मैंने, वो आ जाते हैं तो इसको मैं उसमें लगवाता हूँ और साथ साथ कलर करवाता हूँ। तो दोस्तों कलर तो मैं लाया था ब्राउन, लेकिन ये कलर निकल रहा है इस पर सूखने के बाद ना। ये कलर वैसे तो ब्राउन ही है कलर, लेकिन इसको सूखने के बाद जो कलर हो रहा है ना वो चेंज हो रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है क्या वजह है। हेलो रफ़ीक भाई आ गए हैं, इन्होंने ना चार मटकियाँ लगा दी हैं और मतलब सही लग रही है, नज़र आ रही हैं मटकियाँ सफ़ेद, वाइट वाइट नज़र आ रही हैं। ब्राउन नज़र आना चाहिए था लेकिन वाइट नज़र आ रही हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी लगाई थी एक दो मैंने, ये उनको हटा रहे हैं और ये सही से करके लगाऊंगा। बाकी सब मैं तार बांध दिए। क्या चाहिए? हथौड़ी और प्लास, ये लो हथौड़ी, ये लो प्लास। ये बंद करो बहन, जो भाग ना जाए, ये भी, ये उड़ ना जाए, ये भी देते, ये भी। जी बेटी, ये पाना भी ले आइए उठा के, पाने का काम नहीं है, बड़ी रहना यार, इसको नहीं चाहिए। छोटी नहीं लगाओगे? छोटी नहीं लगा रही है ये, हमने कर दिया इनको बंद। अब ये सारे इधर बैठे हैं, ये उड़े 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 डर रहे हैं सब, देखते हैं। तो भाई फाइनली सारी मटकियां लग चुकी हैं और प्लस एक झूला भी लटका चुके हैं रफीक भाई। बोला झूला झुलाओ इनको और लटकाओ, सारी लग गई हैं। उस वक्त कलर भी ये सही हो गया है, वैसे तो बुरा नहीं लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं रफीक भाई कलर रह गया है मटकियों के ऊपर वाले हिस्से पे। मिट्टी भी लगी बड़ी है मिट्टी, लेकिन सही है। चलें अभी शुरुआत तो करें, अभी मज़ीद तकरीबन पांच जोड़े और लाके इसमें डाल देंगे, पांच छह जोड़े ना, और ये भर जाएगा फिर। इसके साथ कॉकटेल रह सकते हैं रफीक भाई? नहीं कॉकटेल नहीं छोड़ सकते। कॉकटेल क्यों नहीं छोड़ सकते हम इसके साथ? कॉकटेल छोड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? कॉकटेल की तो वो भी मटकी भी लगी हुई है इसके।